नरसिंहगढ़ ब्लॉक की प्राथमिक स्कूल आदल हेड़ा के बच्चों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में मध्याह्न भोजन सही मिलता है, शिक्षक भी समय पर आते हैं और हमारी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। जब हमने शिक्षकों के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर 5 मैडम पदस्थ हैं, सभी टाइम पर आती हैं और हमारी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाती। बच्चों के बताए अनुसार जब हमने क्लासों का निरीक्षण किया तो सभी क्लास में व्यवस्थित नजर आई। पहली दूसरी के बच्चों के लिए दीवारों पर इंग्लिश हिंदी में ABCD छोटे बढ़िया आदि के बोर्ड लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा कई ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों का निरीक्षण किया गया था, उसमें कई स्कूल में कई कमियां नजर आई, जिसके बाद जिला जनपद CEO द्वारा कई स्कूलों का निरीक्षण कर मध्याह्न भोजन को देखा गया था। सभी को सख्त निर्देश दिए गए थे कि अगर कोई भी शिक्षक अनुपस्थित पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्याह्न भोजन के समूह पर भी कार्रवाई की गई थी। उसी का परिणाम है कि आज शासकीय स्कूलों में शिक्षक समय पर पहुंच रहे हैं और बच्चों को मध्याह्न भोजन भी समय पर मिल रहा है। फिर बारी आप ही हैं। जी सर। क्या नाम है आपका? श्रीमती रंजना शर्मा। जी शर्मा जी, कितने बच्चे दर्ज हैं अपने यहाँ पे? 192। मैम, आपके स्कूल कुछ शिकायतें मिल रही थी कि कुछ शिक्षक हैं आपके यहाँ पे टाइम पे नहीं आती? नहीं सर, हम सब लोग सारे 5 शिक्षिकाएं हैं, हम सब एक ही ऑटो से आते हैं और सब एक साथ ही आते हैं समय पर। हाँ, कुछ जानकारियाँ मिली थी क्या मतलब? नहीं सर, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ आंदलेड़ा की नहीं, अचलपुरा की, आगर की और किशोरपुरा से भी मैडम उसमें बैठ के आते हैं, तो हम सारे लोग 6-7 लोग एक ही ऑटो से। कितने आदमी का स्टाफ मैम अपने यहाँ पे? 5 का। 5 उपस्थित है ना? हाँ। आपका अर्चना जी क्या छुट्टी पे थी आप? जी सर, मेरी सासू माँ एक्सपायर हो गई थी, तो मैं 4 अगस्त से मेडिकल पे थी, 5 अगस्त से, तो 19 अगस्त तक का मेडिकल है। 19 अगस्त। अब आप टाइम पे आ रहे हैं? जी सर।